नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो बताइए, आज ये टेनेट्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए। सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ प्रवीण जी का और इजुमी जी का जी। जो एक प्लान के तहत ये एक डिवाइन प्लान जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। सो लेट्स टेक इट एज ए इंसेप्शन पॉइंट फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग ए न्यू टाइमलाइन। तो उसी टाइमलाइन के ऊपर आधारित है आज का विषय। तो इसको टेनेट हमने क्यों रखा? टेनेट एक सिद्धांत है या तो डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम जैसे हमारा यूनिवर्स जो है एक फंडामेंटल है, यानी कि मौलिक है। तो उसके स्रोत मल्टी डायमेंशनल है, वो किसी भी और निकल सकता है, किसी भी तरह का क्रिएशन वो कर सकता है। तो इसी तरह ये टेनेट ऐसा एक सिद्धांतिक पॉइंट है जहाँ से हम हमेशा जो मनुष्य कहता है कि ह्यूमन इज ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग, उसका एक बेस लाइन है। हम यहाँ से समझेंगे कि हम कौन सा ऐसा पॉइंट को चुने जहाँ से हम अपनी क्रिएशन को समझ सकते हैं, और जहाँ हम एक और क्रिएशन के अंदर हैं इस धरती के साथ और एक एसेंशन प्रोसेस में गुजर रहे हैं, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। तो इससे मूलभूत है कि तीन चीज हम आगे मेन इससे डिस्कस करके प्राप्त कर सकते हैं जी। तो जैसे कि आज का मेन विषय है, हम एक टाइमलाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना जो यहाँ पे मूलभूत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो डिवाइन प्लान कहते हैं, उसके तहत हम समय को आज जानने वाले हैं। कैसे हम एक ही समय में रहते हैं, और टू अंडरस्टैंड आवर मल्टी डायमेंशनलिटी, अगर हमारा सार्वभौमिक अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम समझना चाहें, तो पहले हमको टाइम के कंस्ट्रेंट से बाहर निकलना होगा। तो पहला है, हम जानेंगे हाउ टू डिकोड टाइम, समय को या तो जो टाइमलाइन है, समय रेखा, उसको कैसे हम सुलझाएं, कहाँ फंसे हैं हम। नेक्स्ट हम जानेंगे कि समय अगर हम जान गए उसका कॉन्सेप्ट को, असल में हम कहाँ है, तो हम ये भी पता कर लेंगे कि जो एक रेखा है जिसको हम लीनियर परसेप्शन कहते हैं, समय को हम लीनियर परसीव करते रहते हैं, तो वो भी एक डायमेंशन से हम उठ कर देख सकते हैं कि हम वही हैं और समय जो है वर्तमान में ही स्थिर है, जिसको हम नाउनेस कहते हैं। तीसरा है कि समय को कैसे यूज करें, तो वो भी एक हम पता कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम आज खड़े हैं और जिसको हम एसेंशन प्रोसेस कहते हैं या तो एवेकनिंग प्रोसेस कहते हैं, उसमें हमको पहले बताई दी गई है कि कोई एक इवेंट है जो समय आने पे घटित होगा, तो वो भी एक समय है। तो जब हम इस मूवी के थ्रू आज डिकोड करने वाले हैं, तो हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि पूरे सारे लोग बैठे हैं, एंड द म्यूजिशियन जो उसको गाइड कर रहा है वो बस एक ग्रीन सिग्नल देने वाला है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से हम एक आतुरता भाव से हम देख रहे हैं कि क्या घटित होने वाला है। इसमें हमारे पास तरह तरह के इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बॉम्बार्ड हो रहे हैं, कोई बोल रहा है प्रलय होगा, प्रोफेसी बोल रहे हैं कि विघटन होंगे, कोई बोल रहे हैं कि विस्थापित होंगे, यानी कि पूरे मानव जगत को कहीं पे शिफ्ट किया जाएगा इस धरती पे, यहाँ पे वो होगा ये होगा करके वो भी एक बात कही जा रही है। तो जब हम एक बार उसी द्वंद में रहकर भूल जाते हैं कि ह्यूमन इज़ ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग, हमारे हाथ में वो सारे अनुभूतियाँ हैं, वो सारे गुण हैं, वो सारे सिद्धियाँ हैं,
अगर साधारण भाषा में कहे तो, उसको हम साथ में लेकर आए हैं और इसी टाइमलाइन पे आए, तो हम ये कभी सोचते ही नहीं। और संकुचित मनोभाव से क्या करते हैं कि हम इधर उधर भागने लगते हैं। असल में जो कल्प वृक्ष है या तो कस्तूरी मृग है, वो आपके अंदर ही है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये इवेंट को हम कैसे समझे, समय को कैसे समझे। जी, नेक्स्ट आती है जब हम आगे बढ़ते हैं और समय को देखते हैं कि एक सीन आती है जहाँ पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उसको ये जो प्रोटैगनिस्ट है वो बताता है कि ये जो टेनेट है जिसको हम आज इस समय में डिकोड करने वाले हैं, तो इससे हमको क्या पता चलता है। इससे हमको ये पता चलता है कि एवरी टाइम वी आर इन ए ड्वालिटी वर्ल्ड, जिसको हम द्वैत की दुनिया कहते हैं। तो इस द्वैत में लाइट भी है, डार्क भी है। तो ट्वाइलाइट वर्ल्ड ये एक है जहाँ पे बस लाइट आने वाला है, लेकिन लाइट का एक धुंधली सी किरण आ रही है धरती पे, जैसे हम सुमान रेजोनेंस को देखते हैं, या हमारे पास अनेकों स्रोत से कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस आ रही है कि लाइट जो है अब धरती पे आ रही है। तो उसी डॉन या तो ट्वाइलाइट वर्ल्ड में अभी हम हैं, बीच का समय, ना अंधेरा है ना पूरी तरह से उजाला आई है। तो जब पूछा जाता है कि वी लिव इन ए ट्वाइलाइट वर्ल्ड, तो वो सामने से उत्तर आना चाहिए कि वी हैव नो फ्रेंड्स इन डस्क, यानी कि अंधेरे में हमारा कोई भी लिंक या तो दोस्त नहीं है। तो उसको हम इजी भाषा में समझ सकते हैं कि दैट्स द पार्ट ऑफ डार्क, जो अंधेरा है उसका पार्ट है जो डस्क में है। फिर ये पता चलता है कि अगर द्वैत ही है, पर हम तो ये कहते हैं कि हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में है, थ्री डायमेंशनल रियलिटी में है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम आज तक नज़रअंदाज करके आए हैं या तो हमसे छूट रहा है। तो वो पार्ट है, हम आज उसको अनकवर करने वाले हैं, वो है फॉल्स लाइट। ये जो सारे एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी, जिसको न्यू एज गेज कहते हैं, या तो बहुत सारे लोग उसको इवन फॉरेन स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, असल में उस चीज़ का चर्चाएं बहुत होती हैं। क्या हम सही में उस चीज़ को जान पाए हैं? तो अगर हम इस मूवी से उसको समझने जाएं, तो ये दिखता है कि जो लोग मिलिट्री ड्रेस में आए हैं, वही लोग वहाँ पे बैठकर इवेंट्स के बीचों बीच वो बम फिट कर रहे हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि फॉल्स लाइट क्या काम करता है। फॉल्स लाइट ये दिखाता है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराने में जो मदद कर रहा है या तो करवा रहा है, तरह तरह के ये जो सारे पैकेजेस आते हैं, कोई बोल रहा है कि ये थर्ड आई खोल दीजिए, कोई बोलता है कि आपको सारे चक्र का ओपनिंग हो जाएगा, इवन जो सारे ऑथेंटिक मार्ग है, जिसको हम अपने पुराण शास्त्रों में अगर खोजें तो उसके सारे स्रोत हम पाते हैं। तो उसको ना देखते हुए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरनेट, हमारे फिंगर टिप्स में इंटरनेट है, तो उससे हम जब बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को जब टटोलते हैं या तो सर्च करते हैं, तो यही फॉल्स लाइट का एक पार्ट आ खड़ा होता है ड्यू टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका जितना गूगल पे हो या तो किसी भी ब्राउज़र में उसको पैसा देकर उसको ट्रेंड किया जा रहा है, तो वही सारा चीज़ आपको दिखाता है। तो ये फॉल्स लाइट वहाँ पे एक गेम प्ले कर रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पीठ पीछे, हमारे इवेंट के लिए, जिस समय रेखा को हम चुनकर आए हैं, उसके पीछे ही ये लोग बम लगा रहे हैं, यानी कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ये लोग
बचा कर लेकर आते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आती है, कोई एक तथ्य, एक इन्फॉर्मेशन वो निकल कर आती है। जब वो पूछा जाता है तो बोलता है कि यही रियल डील है, यानी कि उससे हम पता कर सकते हैं कि अगर हम पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी हमको आ रहे हैं तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे पास एक समय है, एक टाइमलाइन है, जिसको हमारे जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, हमारे ईच एंड एवरी मोमेंट हमसे जो छूट रहा है वही रियल डील है। उसको कैसे माध्यम से बताया गया, एक टाइम कैप्सूल है। टाइम कैप्सूल हमने इवन डॉक्टर नरुदा के इंटरव्यू में भी बताया था, इवन आप दूसरे सोर्स से भी आप सर्च करके पता कर सकते हैं। टाइम कैप्सूल ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर टाइमलाइन से आया है और फ्यूचर जिस इंसेप्शन पॉइंट से वो वापस आया है उसके बीचों बीच जितने इवेंट्स घटित हुए हैं उसके सारे इंफॉर्मेशन उसमें निहित होती है, यानी कि सेफली सेफ गार्ड प्रोसेस में वो रखा गया होता है। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी, श्योर श्योर। ये आप किसी फिल्म की बात कर रहे हो? जी, टेनेट मूवी जो है। अच्छा, मुझे मैंने उस बारे में नहीं सुना है तो मुझे नहीं पता था। दूसरी बात, आप जो टाइम कैप्सूल की बात कर रहे हो, क्या ये वो बैक टू द फ्यूचर की तरह, मतलब जैसे उसमें फिल्म में दर्शाया गया था कि आप टाइम कैप्सूल में बैठ के पास्ट में फ्यूचर में जा सकते हो, इस तरह से? जी जी, नहीं, जाना नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो टाइम मशीन है। हाँ, ये टाइम कैप्सूल है। कैप्सूल ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं जो फ्यूचर तक हुई है, एक इंसेप्शन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट तक जो इवेंट्स घटित हुई वहां तक का सारा इंफॉर्मेशन इसमें सेफली रहता है। और जिसके हाथ में पड़ता है ही और सी कैन एक्सेस टू दी इन ए बिगर पिक्चर। वो सारा बिगर पिक्चर को हम जैसे एक मूवी को देखते हैं 3 घंटे में, उसमें सारे लोग हैं। हम क्या ईच एंड एवरी ऑडियंस के ऊपर हम ध्यान देते हैं, या तो हम ज्यादातर प्रोटैगोनिस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं क्या घटित हो रहा है? Right. तो इसी तरह है, जो टाइम कैप्सूल जिसके हाथ में पड़ा वो सब इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो यही रियल डील है। अच्छा, तो टाइम कैप्सूल अगर किसी के हाथ में पड़ा तो क्या वो उसके इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, या उसके हिसाब से अपने प्रेजेंट में कुछ ऐसा घटित कर सकते हैं कि फ्यूचर बदल जाए? जी, हम वही आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ओके जी, या तो ये तो हमने एक बीज डाल दिया कि कुछ तो ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो बार बार सिंक्रोनिसिटी, या तो फ्यूचर सेल्फ, या तो कोई ऐसा डेजावू जैसा इवेंट्स हमारे साथ में घटित होता है, वो हमको रिमाइंड करता है किसी इवेंट के बारे में। तो ये उसी टाइम कैप्सूल के का एक्सेस पॉइंट है। तो जब हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसा रियली ऑब्जेक्ट अवेलेबल है स्थूल जगत में जिसमें हम आँखों में देख सकते हैं, तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या वो पॉइंट है। ये पॉइंट है जहाँ पे सिंक्रोनिसिटी का बात होती है। सिंक्रोनिसिटी में हम ये मूवी में देखते हैं कि एक और पर्सन आता है, इसको एकदम जहाँ पे लाइट, जिसको हम फॉल्स लाइट कहते हैं, वो जस्ट इसको टेक आउट करने वाला था होता है, यानी कि मारने वाला होता है, एक पर्सन आकर उसको बचाता है और कुछ एक ऑब्जेक्ट उसको दिखता है जो उसके आँखों में इम्प्रिंट हो जाता है, यानी कि उसके मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाता है। इसको हम समझ सकते हैं कि ये एक सिंक्रोनिसिटी है, या तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डेजावू के थ्रू हमारे आँखों में हम ऐसे फील करते हैं कि इस पर्सन को हमने देखा है, इस सिचुएशन को मैंने क्या कभी जिया है, ऐसा टाइप का जब होती है तो हमारा ही जो फ्यूचर सेल्फ है, जो हम भविष्य में जो बनने वाले हैं, उससे हमको एक हायर वाइब्रेशन या तो फ्रिक्वेंसी के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आती है। पर जब हम 3D मानसिकता, यानी कि जो द्वैत का चेतना से जब हम उसको परसीव करते हैं, तो हमको ये फील होता है कि ये घटना हमने कभी देखा है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या सही में ऐसा होता है। जब डेजा हम वू के ये बारे में मैट्रिक्स मूवी में भी यही बताया गया है। जी 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 बिकॉज ये ऐसा डिस्कशन है कि हम यहाँ पे सब चीज को डिस्कस में लाने वाले हैं। मैट्रिक्स का नाम लिया तो वही मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे अभी। तो दिस इज हाउ सिंक्रोनिसिटी वर्क्स। तो हम जब हम एक देखते हैं कि हम एक अवेकनिंग प्रोसेस में है, हम एक दूसरे को जगा रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखते हैं, हमारे परिवार में है, सोसाइटी में है। इवन हम जब टीवी खोल के दिखाते हैं तो एवरीवन इज बिजी, सब लोग व्यस्त हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जनरल पब्लिक। और बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आते हैं कि हम अपने परिवार वालों को कैसे जगाएं, वो लोग हमको हिंडर करते हैं या तो अपोज करते हैं, वो समझते नहीं हैं, उनको अवेकनिंग क्या है वो भी नहीं पता है। तो उसको हम इसी मूवी से हम देख सकते हैं कि लोग सारे उस इवेंट के नेक्स्ट मोमेंट में ड्यू टू सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, सम जो हैलाइड गैसेस जो फैलती है इस मूवी में, सब सो जाते हैं। दे आर अवेक बट दे आर स्टिल स्लीपिंग। तो वो क्या है, उसको मैट्रिक्स में भी कहा गया और इस मूवी से भी हम समझ सकते हैं, जो लोग इस माया को छोड़ने के लिए राजी नहीं है और उस माया से अभी भी कट ऑफ नहीं हुए हैं, जिसको हम थ्री डायमेंशनल रियलिटी कहते हैं, तो वो सारे इसी दुनिया में ऐसे मग्न हैं और उसको ये सोचते हैं कि हम कॉन्शियस हैं, पूरी दिन भर जो भी हम काम कर रहे हैं या तो देख रहे हैं वही सारा हमारे लिए रियलिटी है, बट फॉर द ट्रूथ पॉइंट वो सारे सो रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन आती है जहाँ पे वो खुद उसको एक किसी ने चिमटी काटी या तो झंझोड़ के जगाया, तो उसने पूरा थ्री डायमेंशनल बीइंग जैसा ही है, मनुष्य है, वो हर चीज़ का पॉइंट खोजना शुरू करता है। जैसे सबको याद होगा कि उनमें जो एक पॉइंट थी जहाँ से उनको पता चला कि कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, हर चीज़ का स्रोत खोजते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन होती है जो उनके लिए देवदूत जैसा आते हैं और वो बताते हैं कि ये एक पॉइंट है जहाँ से आप ये जानना चाहिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। तो उसके लिए क्या है, उसने बताया कि ये एक जेस्चर जैसा है, ऐसा ये एक पॉइंट है, ना ये फ्यूचर है ना पास्ट है, ये अभी हम यहीं पे हैं। अगर हम ये पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इस टाइमलाइन को, सेम मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूँ कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप शुरुआत के लिए अनगिनत पॉसिबिलिटीज है। तो वो खुद उसको रिमाइंड करता है कि यूज़ इट वेरी केयरफुली एंड सम डोर्स मे ओपन सम रॉन्ग वंस टू। यानी कि अगर आप मल्टी डायमेंशनल है, आप वर्सेटाइल है, आपके लिए रियलिटी जो है पूरा अनेकों एक पॉइंट्स, अगर हम कितना रेखा खींच सकते हैं उस तरह हम बहुत सारे जो पॉसिबिलिटी ऑफ रियलिटी हम सोच सकते हैं उसको वो आगे करता है कि हमारे सामने बहुत सारे डोर्स हैं, लेकिन उस पर आपको जागृत होकर उसी डोर को ही एक्सेस करना जो आपके लिए बनी है, और जो बहुत सारे ऐसे डोर भी हैं जो रॉन्ग है। तो दूसरा और एक क्या कहते हैं कि जो टेस्ट अभी आप पास करके इसको समझने लगे हैं कि आपके माइंड या तो मन मस्तिष्क में ऐसा बीज पड़ गया है, जो लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि कुछ तो रॉन्ग है, ये वो टेस्ट का पासिंग पॉइंट है। अभी बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं और युग परिवर्तन है या तो अवेकनिंग है, एसेंशन है, उस सारे नाम को बार बार सोच रहे हैं या तो सुन रहे हैं, तो वो सारा उस टेस्ट को पास करके आए हैं। यानी कि 3D मैट्रिक्स को वो पहले से ही समझकर इस टाइमलाइन में आए हैं, जस्ट टू जंप थ्रू दिस शिफ्ट फ्रॉम
थर्ड डायमेंशनल रियलिटी टू ए हायर डायमेंशनल रियलिटी। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये हम सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन या तो तथ्य जैसा है। हम सब उस टेस्ट को पास करके ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जितने सारे वर्ल्ड में हैं। तो दूसरा क्या है कि इस मूवी के थ्रू हो या तो हमारे लाइफ में अगर हम इसको मर्ज करें इस मूवी को अपने लाइफ में, तो हमको बहुत सारे ऐसे सबलिमिनल मैसेजेस भी मिलते हैं, जिसको कहा गया कि कुछ डेट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटी इवेंट्स हैं या तो डेजा वू है। तो उससे क्या पता चलती है कि कुछ इवेंट डेट्स यानी कि कोई तो घटना का दिन हो या तो दिनांक है जिसको हम डेट कहते हैं, वो भी पता चलेगा। और दूसरा है कि जो ये जेस्चर वो बताता है, इसको अगर हम डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि ये एक डिवाइन मुद्रा है, जिसको बहुत सारे मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, तो ये एक मुद्रा है जिसको हम कहते हैं उशास मुद्रा। उशास मुद्रा ये पॉइंट है जहाँ से हम आगे की ओर फोकस करके डिवाइन फेमिनाइन को हमारे अंदर जागृत करते हैं। तो ये एक इस मूवी से निकला हुआ एक और डिकोडेड मैसेज है कि डिवाइन फेमिनाइन को अगर आप जागृत करना है उसी टेनेट पॉइंट से, यानी कि जो आपको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मुझे जागृत होना है, तो उस डिवाइन फेमिनाइन का स्रोत जो है आपके अंदर जागृत होना शुरू हुआ। तीसरा क्या है, तीसरा वो भी बताएगा कि बहुत सारे एक्सपोजेस आपके सामने होंगे, जो जिनको हम सीक्रेट सोसाइटीज कहते हैं, कबाल कहते हैं, या तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो फोर फ्रंट में कोई डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, उसके बारे में भी इस मूवी से तथ्य मिलती है। और अपने लाइफ में भी आप देखते होंगे कि जब आप लाइट के ओर प्रोग्रेस करते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आती रहती है। नेक्स्ट आती है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं इस अवेकनिंग प्रोसेस में, क्या वो मार्ग सही है, क्या इन्फॉर्मेशन सही है, किसी ने आपको भड़का दिया या तो डरा दिया कि इसको ऐसा नहीं किया जाता, वैसे किया जाता है, तो ऐसे सारे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं आपके इन्फॉर्मेशन, जो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो उसको कहा गया कि ऑब्सक्योर टेनेट है। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, टेनेट मतलब सिद्धांत, जो अस्पष्ट है और फिर भी आपने क्यूरियोसिटी बेस पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको क्या होती है कि एक विफलता मिलती है, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। तो ये भी पता चलता है कि जब उसका डोर खुलता नहीं तो साइंटिस्ट उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि दिस इज अ ऑब्सक्योर टेनेट, यानी कि आप सिद्धांत में फिक्स नहीं है, किसी चीज़ को जब आप एक्सेस करते रहते हैं ड्यू टू फेक स्पिरिचुअलिटी हो या तो फॉल्स लाइट के माध्यम से, तो आप क्या होते हैं कि मैनिपुलेट हो जाते हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने ये आपने जो बात कही ये इससे मुझे याद आया कि लॉ ऑफ वन में रा ने भी यही बात बोली है कि एक होते हैं सोए हुए लोग, एक लोग होते हैं जागे हुए लोग, और एक होते हैं जो ना सोए हैं ना जागे हैं, वो बीच में फेंस पर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनको चाहिए भी मुक्ति, लेकिन फॉल्स लाइट जैसा आपने बोला कि वो मंदिर की घंटियां बजाते रहेंगे या अपने तरीके से रिलीजन में घुसे रहेंगे, और दूसरा माया जाल को वो छोड़ नहीं पाते, तो अपने अटैचमेंट्स इस माया जाल के साथ, अपना पैसा, घर, परिवार, ये वो, उन चीजों के साथ जो अटैचमेंट्स हैं और रिलीजन के, खास करके रिलीजन के साथ जो अटैचमेंट है, उसकी वजह से वो पूरी तरह से ओरिजिनल लाइट की तरफ जा नहीं पाते हैं। ये याद आया मुझे। और जब हार्वेस्ट, खैर उस समय पर वो लोग रिपीट करेंगे थर्ड डेंसिटी, ऐसा उन्होंने बोला था जी, तो ये याद आया मुझे इससे। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने जी, जी। अब नेक्स्ट आती है सेम चीज़, जहाँ पे आपको ये पर्सन जो है प्रोटैगोनिस्ट खुद को वो सोच रहा है कि स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, या तो कोई
देवता का ही री इनकार्नेटेड पार्ट है या तो किसी महापुरुष का री इनकार्नेटेड पार्ट है। तो जब हम ये सोचकर आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारे सामने ऐसे व्यक्तियाँ भी आते हैं जो फॉल्स लाइट की तरह, एक फॉल्स गाइड या तो गुरु की तरह होते हैं। वो हमारे सामने उसी को ही प्रेजेंट करते हैं जो हमको चाहिए रहता है। तो हम फील करते हैं कि क्या ये माइंड प्रोग्रामिंग है, या उनको भी वो सिंक्रोनिस्टिक चीज़ पता चल जाती है कि हम किस राह पे हैं, तो उस पर भी हमको भटकाया जाता है। तो उस पर हमको जागृत रहना है, हमको हमारा स्रोत ही खोजते रहना है। अब नेक्स्ट आती है, जब उसको ये पता चल गया कि सोर्स तो मैं ही हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा ही एक फोकस्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब उसी को ही सर्च करता है तो एक साइंटिस्ट उसको मिलते हैं, जो वो कहते हैं कि जैसे हम साइंटिस्ट इन द सेंस जिसने ट्रूथ और फॉल्स को प्रैक्टिकली देखा है विथ यूजिंग द एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने वो कहते हैं कि वी आर नॉट हियर टू डिस्कस व्हाट टू डू, यानी कि हम यहाँ क्या करने आए हैं ये डिस्कस नहीं कर रहे। जो भी आपको इवन बहुत सारे गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं जो अवेलेबल हैं, मैं भी कुछ सालों से आप लोगों से सीख रहा हूँ, तो वो जो सारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएंगे कि हमको यहाँ कैसे काम को करना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम क्या करना है और वो सामने वाला व्यक्ति से अगर हम वो इच्छा रखते हैं, देन यू आर डायलिंग ए रॉन्ग नंबर। तो जो भी हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे इस एसेंशन प्रोसेस में या तो अवेकनिंग के थ्रू, वो सारे हमको ये बता रहे हैं कि हाउ टू अवेक एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट योर डिवाइन प्लान हियर। आप क्या हैं, आप क्या करने आए हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये चीज़ इससे पता चल सकती है। और दूसरा क्या है कि जब ये मूवी का अगर आप टाइमलाइन भी देखें तो 3 साल पहले से ही हमको यूक्रेन रशिया वॉर, वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, इस सब जैसा सारा चीज़ को इन्होंने पहले से ही बताया है जो आगे घटित होने वाला है। दैट मीन्स अभी भी अगर इस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर फ्यूचर सेल्फ गिविंग सम काइंड ऑफ वेकअप कॉल कि ये सारा चीज़ पॉसिबिलिटी है। होगा या नहीं होगा कभी कोई आपको नहीं बताएगा, बट पॉसिबिलिटी है। तो आप बेटर है उससे पहले ये जान ले कि आपको अपना प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हाउ टू डू। तो जब हम ये जान जाते हैं, एक वेकअप कॉल मिलती है हमको कि हम यहाँ पे क्या करना है, उस चीज़ को तो हम खुद जाने और कैसे करना है हम दूसरे से सीख सकते हैं। तब एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो हम टाइमलाइन बोलते हैं या तो फ्यूचर सेल्फ कहते हैं, किसी को हम भविष्य कहते हैं या तो पास्ट कहते हैं, यानी कि भूतकाल, ऐसा कुछ रियली में होता ही नहीं करके ये साइंटिस्ट बताते हैं। जो हम विजुलाइज करते हैं, कुछ दिन पहले इवन प्रवीण जी ने भी कहा और हम बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स से भी पता कर सकते हैं कि मनुष्य का विजुअलाइजेशन जो है एक उसका अल्टीमेट पावर है। इवन इन केस ऑफ ए जनरल पर्सन, जो साधारण व्यक्ति है, वो भी अपने मन से 1 सेकंड भी सोचे तो वो मन ही मन में US तक पहुंच सकता है, ब्रह्मांड में घूम कर आ सकता है। उसका कल्पना जो है उसका एक बहुत बड़ा अस्त्र कह सकते हैं या तो एम्यूनेशन कह सकते हैं। तो जो हम ध्यान, मेडिटेशन या तो कोई भी प्रैक्टिस करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो उसके थ्रू जब हम अंदर और गहराई में जाते हैं, जब हम शून्यता की स्थिति में रहते हैं, तो उसको कहा गया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप स्पेस में तो हैं लेकिन टाइम के कंस्ट्रेंट में नहीं है। तो यानी कि उस टाइम में जाकर कोई भी बीज आप डाल सकते हैं। तो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि हमको ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट करना है,
हमको अपने रियलिटी को सुधारना है, जीवन को सुधारना है। हम कितना भी एफर्मेशन देते हैं, इंटेंशन रखते हैं, वो कुछ फलीभूत क्यों नहीं होता? क्या हम अपना फ्रिक्वेंसी इतना लो है? तो उनको पहले बात तो ये समझना है कि उनको पहले उस रियलिटी को ड्रॉप करना होगा। ड्रॉप इन द सेंस अपने विजुअलाइजेशन से, विजुअलाइजेशन पावर से उस रियलिटी को प्रकट होता हुआ देखना होगा। ये चीज़ हम इस मूवी से पता कर सकते हैं। वो बोलती है कि अगर बुलेट को नीचे से ऊपर तक आपको कैच करना है तो आपको अपने थॉट में जाकर उस बुलेट को ड्रॉप करना होगा। फिर जब आप इस रियलिटी में आते हैं, देन दैट रियलिटी और द टाइम विल मूव बैक टू गिव यू दैट गिफ्ट, वट एवर यू इंटेंटेड फॉर। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इजी समाधान इसके थ्रू दिया गया है। दूसरा, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे सामने क्या पॉसिबिलिटीज है। दो ही चीज़ है। एक तो है कॉज, जो आप खुद हैं, यानी कि कारण, और इफेक्ट, जो उसका असर, असर जो है, यानी कि भविष्य में जो घटित होने वाली गिफ्ट है या तो प्रेजेंट है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी कल्पना में ऐसा पावर है कि उस इफेक्ट या तो गिफ्ट को हम अपने अंदर जागृत करके देखें, और उसमें अगर एक पॉजिटिव इंटेंट रख के अगर हम क्लियर इंटेंशन दें तो वो चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं है। तो मन में क्वेश्चन एक बार उठता है कि क्या मनुष्य इसीलिए आया है कि यही काम करने के लिए? तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा काम करने के लिए? जी, हमको पता चलेगा आगे। तो जब हम ये पता कर लेते हैं कि किसी एक कॉज के लिए ही हम यहाँ पे गैदर हुए हैं, ये समय जो है बहुत ही दैविक है और एक विचक्षण समय है, यानी कि अभूतपूर्व जिसको भी कहते हैं। तो जिस जो इफेक्ट के बारे में वो साइंटिस्ट आगाह करती है, तो उसको जब वो खोजना शुरू करता है, यानी कि हम उसी स्थिति में खुद को जब हम रखते हैं प्रोटैगोनिस्ट की तरह, ईच एंड एवरी वन, यानी कि जो मूल कैरेक्टर की तरह हम यहाँ कुछ करने के लिए आए, तो हमको पता चलता है कि ये जो सारे रियलिटी है या तो वास्तविकता है, हमारे सामने तो आता ही रहता है, कंटिन्यूसली वो आ ही रहे हैं। तो क्या हम खुद उसको क्रिएट कर रहे हैं? कभी हमने ये सोचते नहीं, और हम ऑल टाइम उस रियलिटी के पीछे भागते रहते हैं जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कभी वो रियलिटी हमारे सामने होती है पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली होती है। तो हम ये सोचकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि कभी कभार तो ऐसे अनसक्सेसफुल मोमेंट तो होते ही रहते हैं करके। बट वहाँ से, इस सीन से हमको ये पता चलता है कि अगर हमारे सामने ये एक पत्थर है, उसमें बहुत सारे छेद हैं, जब वो फायर करता है, वो बुलेट्स रिवर्स होकर उसके गन में, जो उसका मैगजीन है, उसमें सेव होते रहते हैं। तो उससे वो पूछता है कि एम आई शूटिंग और कैचिंग द बुलेट? तो साइंटिस्ट बोलती है, यू आर जस्ट कैचिंग द बुलेट। उससे हमको ये पता चलता है कि वी आर नॉट हियर टू क्रिएट द इवेंट, वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द इवेंट टू स्टॉप द कैटेकलिज्म एंड इम्प्लीमेंट आवर डिवाइन प्लान। तो जब हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में रहकर बहुत सारे मेंटर हैं, गाइड हैं, इवन लोग खुद को एक आइडेंटिटी दे देते हैं कि वो स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, वो सारे लोग ये कहते हैं कि आगे इवेंट है, आगे इवेंट है, और हमको तैयारी करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कैटेकलिज्म का बात फैलाते हैं, यानी कि कोई प्रलय का है, कोई विघटन होने वाला है, विस्थापित होंगे, ऐसा टाइप का। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके जब हम एक फॉर वन मोमेंट जब हम अपने
मन मस्तिष्क से एक वाइब्स रिलीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनकर वो रियलिटी हमारे सामने प्रकट होने के लिए बाध्य हो जाता है वो ब्रह्मांड, क्योंकि ये एक पूरा थिन पाइप जैसा है, दोनों ओर दो वस्तुएं हैं, एक है ब्रह्म जो हम सबके अंदर है, दूसरा है ब्रह्मांड, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरलिंक्ड है, दे हेल्प ईच अदर टू मैनिफेस्ट देयर रियलिटी, जो आप चाहे वो वास्तविकता आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इच्छा अनिच्छा दोनों ही मंत्र है यहाँ पे, तो इसको हम ध्यान से समझें और अपने प्रति जागृत हो कि कौन सा रियलिटी हम चाहते हैं, हमारा सोच ही वो रियलिटी को प्रकट करता है। तो किसी से भी हम कैटेगरिज्म सुनते भी हैं तो वचनबद्ध हो कि आप उस रियलिटी के विरुद्ध आए हैं, उसको रोकने के लिए आए हैं, क्योंकि जो भी कैटेगरिज्म है वो मदर अर्थ के लिए पेन है, वो धरती के लिए एक पेन है। लेकिन जब आप ये भी जानकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि हमको बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है इस स्थूल जगत में, जिसको हम माया या तो मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसमें क्या है कि ऐसे ऐसे पिलर्स हैं जिसको हम न्यूज़ कहते हैं, मीडिया कहते हैं, इकोनॉमी है, लॉ है, फूड है, ये सारे जो पायदान हैं या तो पिलर्स हैं उसी से बंधे हुए हैं, और एक वो पपेट जैसा हम जीवन जीते आए हैं। तो उसको जब पूछता है ये प्रोटैगोनिस्ट, वो साइंटिस्ट को, कि ये सब क्या है, क्योंकि वो एक बैकवर्ड मोमेंट की तरह देखता है तो उसको बहुत सारे रेमिनेंट्स दिखते हैं, यानी कि अवशेष की तरह दिखता है। तो अगर हम इन सारे पार्ट्स को एज ए रेमिनेंट की तरह देखें तो हमारे सामने एक रियलिटी जैसा दिखेगा कि ये सारे सिस्टम जो है, जो आपको कंट्रोल करने के लिए बनी है, ऐसा सोच रहकर आप आज जिन आज तक आप दिन बिता रहे हैं, वो सारे के सारे उस विघटन के रेमिनेंट्स हैं जो टूटने वाले हैं इस आने वाले इवेंट में। तो इस सब को जब आप इसी तरह देखें, एक फ्यूचर में रहकर पीछे से अगर आप देखें तो आप उसके प्रति कभी भय नहीं होगा, आपके अंदर से वो फियर वाला जो रियलिटी है या तो सोच है वो चली जाएगी, क्योंकि ये सारे तो टूटेंगे और इसी से ही मैं जर्जरित हूँ या तो इससे मैं ही पीड़ित हूँ। तो जब आप अवशेष की तरह देखें तो आपके हाथ में तो ऐसे चीजें हैं जो टूटे हुए हैं, तो उससे आपको क्या होगा, एक तो आप उससे माइंड से ही मुक्त हो गए। अब नेक्स्ट आती है, जब आप फियर बेस्ड सोच इंस्टिंक्ट या तो रियलिटी से निकलकर आगे उठते हैं तो आपको क्या होती है कि एक फोर्थ डिमेंशनल फ्रिक्वेंसी या तो वाइब्रेशंस आपके प्रति आकर्षित होकर आती है थ्रू फ्यूचर सेल्फ। तो यहाँ पे जो पर्सन का एंट्री हुई है वो एक फ्यूचर सेल्फ है उसी का ही, जो वहाँ पे उसको सारा इंफॉर्मेशन देने आया है उसको कैसे काम करना है। तो ये उसका पहला पॉइंट है जिसको हम फोर्थ डिमेंशनल रियलिटी या तो वाइब्रेशन कहते हैं, वहाँ से आपको सारा सिंक्रोनिसिटी आना शुरू हो जाती है। तो तब भी आपके मन में तब भी संदेह रहता है, क्योंकि यू आर इन द मिडिल ऑफ द टू बोट्स, दो नाव में पैर रख के आप बीच में अजय देवगन की तरह आगे बढ़ते हैं, जो बहुत सारे मूवीज में आप देखते होंगे, कि उसके लिए दोनों ही रियलिटी है, फिफ्थ डायमेंशनल उसको जाना है, थर्ड डायमेंशन अभी यहाँ है। फिर भी वो बीच में जब सिंक्रोनिसिटी को वो देखता है तब भी वो एक कस्तूरी मुरुक जैसा ढूंढते रहता है और एक दूसरे मेंटर से वो पूछता रहता है कि मुझे 11-11 देखा, बताओ उसका क्या मतलब है। उसका मतलब यही है कि वो आपके फ्यूचर सेल्फ से आ रही वो एक मैसेज है जो आपके प्रति है। तो बेटर है कि आप खुद उसको अपने ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से उसको एक्सेस करें या तो डिकोड करें।
नेक्स्ट आती है जब आप बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी को एक्सेस करते हैं, देजावू को एक्सेस करते हैं, या तो कुछ डाउनलोड्स होती है बोलते हैं लोग, कि वो ध्यान में थे, उनको बहुत सारे चीज़ें ध्यान के स्थिति में आ रही है इन्फॉर्मेशन। तो जब हम उसको आर्बिटरली यानी कि इधर उधर होकर जब हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, उसमें फेक भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो उस चीज़ को जब हम एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल फॉल्स लाइट का भी है। जब हम उसको इंटरनेट पे ढूंढते हैं या तो किसी ऐसे वर्चुअल रियलिटी से जब एक्सेस करना चाहते हैं, जो आजकल आ गया है कि लोग चैट जीपीटी के पीछे भाग रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं कि क्या भगवद गीता सही में लिखी गई थी, तो वो एक फॉल्स लाइट का रैबिट होल है। ये ऐसा रैबिट होल यानी कि खरगोश का ऐसा गहरा उसको सुरंग कह सकते हैं कि आप उसमें एक बार घुसो या तो एक बार आप गूगल से पूछना शुरू करो, तो जब भी आपको कोई भी डाउट आएगा यू कंटिन्यूसली स्टार्ट एक्सेसिंग इनटू इट। तो उससे क्या हो पता चलती है कि जो यहाँ पे दबदबा रखना चाहता है, जो मस्कुलिन फ्रंट है, वो आपके सामने एक ऐसा रियलिटी को प्रकट कर देगा जिसको आप फॉलो करने के लिए अंधे होकर बाध्य हैं। तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि एक प्लूटोनियम ऐसा वस्तु है जो टाइम को रिवर्स कर सकता है। तो ये प्लूटोनियम है क्या? असल में एक प्लूटोनियम का जो बात हो रही है यहाँ पे एक मेटाफर है। तो यहाँ पे जितने भी आजकल आप देखते होंगे कि डिस्क्लोजर के नाम पे बहुत सारे लोग आकर बताते हैं कि ये प्रोफेसी लिखी गई थी, वो यूएफओस होते हैं, ये चैनलिंग हुई थी इस समय, ये इन्फॉर्मेशंस आई थी, तो जो लोग भी इस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं उनके पीछे हम भागते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर उसको सही में कोई डिवाइन सोर्स से या तो अपने ही फ्यूचर सेल्फ के सोर्स से आ रही है उसको इन्फॉर्मेशन, तो ये उसके लिए है। अगर वो ये फील करता है कि नहीं, ये एक सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है या तो सामूहिक इन्फॉर्मेशन है, जब वो शेयर करता है तब हम उसको टटोलते भी नहीं, यानी कि हम अपने अंदर उसको एसिमिलेट नहीं करते हैं, तो क्या होता आता है कि हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब बात आती है, अगर मैनिपुलेट हो गए तो उसके बाद हमारे सामने कौन सा रियलिटी होती है? तो उसके बाद हमारे सामने ऑल टाइम क्या होती है? द्वंद्व आती है। द्वैत का दुनिया है तो दो ऑप्शंस हमेशा रहती है। तो वहाँ से क्या हो जाता है, समय रेखा जो है एक ही धागा खुलकर दो पार्ट हो जाती है। तो आप देखते होंगे कि दो पर्सन है, एक है प्रेजेंट सेल्फ, दूसरा है फ्यूचर सेल्फ। फ्यूचर सेल्फ ने जो रास्ता चुना है उसके प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं। जो इंट्यूशंस आते हैं या तो खुद को एक जो बोलते हैं कि मेरा हृदय ये बोलता है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन गाइडेंस तो आ रही है कि ऐसा ही करना चाहिए, जो हमको इंटरनेट में मिल गया ऐसा है। तो उसका एक छोटा एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एक सोहम विधि है जिसे हम श्वास लेते हैं, सो करके हम करके छोड़ते हैं। उसमें अनेकों लोगों ने ऐसा चीज़ फैला दिया है, कोई बोलता है सो लेना है, कोई बोलता हम लेना है। तो इसी तरह हम अपने फ्यूचर सेल्फ से आती हुई अगर इंटेंशन इंट्यूशन को अगर कैच ना कर पाए, तो इसी तरह हम अगर इंटरनेट से वर्चुअल रियलिटी से इन्फॉर्मेशन खोजें तो हमारे सामने वो रास्ता जो है दो पार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे उस चीज़ को देख पाते होंगे जो लिखा है कि रोटास करके लिखा है, ये कंपनी का नाम रोटास है। तो असल में जब हम उस रियलिटी को रिवर्स वे में जब हम देखते हैं कि ये समय तो आ रहा है ना कि समय जा रहा है, तो ये दोनों को जब हम मर्ज करते हैं एज ए टेनेट पॉइंट, उससे हमको पता चलता है कि इसको हमेशा हमको टटोलना चाहिए, रिवर्स करके देखना चाहिए, तब पता चलता है कि ये सेटोर है। सेटोर यानी कि जो उसका एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो उसका विलेन है, यहाँ पे उसी चीज़ को वो बताता है कि इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करो और खोजो अच्छे से,
ये नहीं कि ब्लाइंडली जो दिख रहा है उसको फॉलो करना है। तो इसी तरह हमारे सामने बहुत सारे इंट्यूशंस आते रहते हैं, उसके प्रति हमको जागृत रहना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है, जब वो अंदर चले जाते हैं तो एक ऐसा रियलिटी उनके सामने दिखता है कि वो इवन हम दर्शक होकर भी जब हम पहली बार इस मूवी को या तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो बहुत चौंक जाते हैं। तो ये पता चलता है कि दो व्यक्ति हैं जो एक ही व्यक्ति है लेकिन दो अलग अलग रास्तों से निकल रहे हैं। तो इसका बीज हमने पहले ही डिस्कस किया कि वही टाइमलाइन हमारे सामने एक फॉरवर्ड एक रिवर्स दोनों होकर निकलती है। तो जब फ्यूचर सेल्फ उससे टकराता है उसको जाने देता है, लेकिन जो प्रेजेंट में है थ्री डायमेंशनल रियलिटी के अंदर है उसको वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, यानी कि उसको धक्का देता है। तो यहाँ पे जब हम स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक चीज़ बार बार सुनते हैं या तो समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे मेंटर्स जो हैं हमारे वो बोलते हैं कि नो जजमेंट, बी इन द मिडिल और नो रेजिस्टेंस किसी भी इंफॉर्मेशन के प्रति। तो यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है कि जब हम निचली स्तर की चेतना में रहते हैं तब हम रेजिस्ट करते हैं, जब हम ऊंचे स्तर की चेतना में जाते हैं तो हर चीज़ को हम अपने लाइब्रेरी में आने के लिए उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये इन्फॉर्मेशन है इसको मैं रखता हूँ, अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी इंट्यूशन मेरे में आती है देन आई विल एक्सेस इन टू इट बट आई विल नॉट डिस्कार्ड टू इट, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करूँगा या तो रिजेक्ट नहीं करूँगा कभी भी। तो ये वहाँ पर बताई गई है। अब नेक्स्ट आती है कि जब आप फॉल्स लाइट के अंदर आ भी गए रैबिट होल के अंदर, अब उसको अपने ही रियलिटी को दो पार्ट में देख भी रहे हैं, तब आपके सामने आती है ऐसे ऐसे मेटाफोर्स डिस्क्लोजर के नाम पे, जैसे बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि यूएफओ हैं, उनको इवन वाशिंगटन के जो प्रेस क्लब में भी उनको जगह मिल रही है, और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु भी हैं उनको तमाम मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर हैं। तो उससे हमको क्या समझना चाहिए, उससे हमको ये समझनी चाहिए कि ये हमारे ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस को छेड़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे फेक स्पिरिचुअल गुरु हैं या तो मेंटर्स हैं या तो डिस्क्लोजर जो पर्सन्स हैं वो हमको बहुत सारे ऐसे माध्यम भी सिखाते हैं जो ऐसे उसका टैगलाइन रहता है कि रेज योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ऐसा करके भी बहुत सारे पैकेजेस चलाते हैं। तो उसको भी हमको टटोलना चाहिए और उससे भी आगे बढ़े तो जो जनरल पब्लिक है जो ये प्रोसेस क्या है वो जानते भी नहीं, आज तक उनको डराया जा रहा है कि एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हुई थी जापान में और आने वाले समय में भी पॉसिबिलिटी है करके भी वो लोग इंफॉर्मेशन चैनल्स के थ्रू यानी कि जो टीवी न्यूज़ मीडिया इन सब के थ्रू भी वो सब फैलाते हैं। तो उन सब मेटाफर्स को यानी कि जो लोक वाणी है उसको कह सकते हैं या तो एक ऐसा इंफॉर्मेशंस जो आपके सोसाइटी में फैल रही है उससे आप इस चीज़ को टटोल सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि जब आप उसके अंदर चले भी गए द्वंद में हैं तो एक और टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं आज, वो है प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास। ये किस हिसाब से हमको स्टडी करते हैं, जो हम सोचते हैं फ़ोन में उसका एड आने लगते हैं, जो सोचते हैं उसी टाइप का हमको टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, इवन यूट्यूब पे ऐसे ही एड आने लग जाता है। तो हमको ये पता चलता है कि संदेह होता है कि क्या हम इस वर्चुअल दुनिया में एक सर्वाइलेंस में है, कोई हमको चेक करते रहता है ऑल टाइम। तो जी हाँ, इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास, यानी कि जो चीज़ें आप डेवलपमेंट नाम पे हो या तो एक इंफॉर्मेशन एक्सेस पॉइंट के नाम पे जो आप सारे गैजेट्स को यूज़ करते हैं यानी कि टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं, उन सबके थ्रू आपको एक डिजिटल निगरानी में रखी जा रही है। उससे क्या होती है कि आपके मन मस्तिष्क से निकलने वाला हर एक फ्रिक्वेंसी को ये लोग
इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस की तरह इस चीज़ को एनालाइज करके वो सारा चीज़ आपको ऑल टाइम स्क्रीन पे वो दिखाते रहते हैं जो आपको चाहिए, या तो जो चीज़ आप सोचते हैं। जैसे कि किसी के मन में आया कि वो किसी चीज़ को खरीदना चाहता है, किसी और के साथ वो 15 दिन पहले डिस्कस कर रहा था, 15 दिन के बाद वो सारे एड्स उसको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब्स उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो उसको कहा गया और एक स्टेप, जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये एक इनर लुकिंग ग्लास है, यानी कि हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को यूज़ किया जा रहा है इन सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू। जो हम विजुअलाइज करते हैं इस 3 डायमेंशनल रियलिटी में, जो भी हम परसीव करना चाहते हैं या तो प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब का जो हम विजुअलाइज करते हैं उसके थ्रू ये सारे रियलिटी हमारे सामने प्रकट होती है। तो उससे ये भी पता चलता है ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ह्यूमन का माइंड को यूज़ किया जा रहा है टू हार्वेस्ट और क्रिएट द रियलिटी। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो मैट्रिक्स या तो माया आप देख रहे हैं उसका सूत्रधार जो है आपका माइंड ही है। ये हम सबके माइंड को यूज़ किया जा रहा है एक चीज़ देखने के लिए। तो जो फोटो आप देख रहे हैं कि उसके थाली में वो फोटो है, यानी कि जो आपके सामने परोसा जा रहा है वो आपके ही कॉन्शियसनेस को या तो माइंड को विजुअलाइज करवाया गया, किसी चीज़ को थॉट पैटर्न में लाकर जो आपने सोचा वो चीज़ आपको परोसी गई। तो उसका सूत्रधर आप खुद हैं।